हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। कल जिन्होंने हमारी वीडियो देखी उन्होंने बहुत सारा पैसा रन किया, जो जो मैंने बताया था सेम सेम ऐसा ही हुआ। और परसों वाली वीडियो में भी मैंने आपको हैरी ब्रू कैप्टन दिया था, जिस भाई ने वीडियो देखी वो वीडियो देख सकते हैं आप नीचे जाके। कोलकाता वाले मैच में मैंने हैरी ब्रू कैप्टन दिया था, जिसने एक शतक लगाया था और वो कैप्टन बना था, और उसमें जो मैंने बताया था लगभग सेम वही हुआ था। तो आज भी कुछ ऐसे धमाका करेंगे, और धमाका करने के लिए पहले पिच रिपोर्ट और प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज शाम को आईपीएल का 25वां मैच खेला जाएगा, जो कि हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मैच शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर वेन्यू की बात की जाए और वेन्यू स्टेट की बात की जाए, तो वेन्यू रहेगा आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। और इस स्टेडियम में अब तक 29 मैच बैटिंग फर्स्ट वन की है और बैटिंग सेकेंड 36 मैच वन की है। कहीं ना कहीं इस मैच को जो भी चेस करेगा उसके चांस ज़्यादा रहेंगे जीतने के, लेकिन उसके लिए पहले वाली टीम को कम से कम स्कोर पर रोकना होगा। अगर पहले वाली टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है और 180-190 तक स्कोर ले जाती है, तो सेकंड टीम का जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास एक टीम न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दुआन जैनसन मार्को एंड हाई हैव नेवर प्लेड अगेंस्ट इच अदर बिफोर। ये मार्को जैनसन और दुआन जैनसन में से कोई एक खेलेगा, दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। तो दोस्तों देखते हैं किसकी टीम में कौन खेलेगा। मुझे लग रहा है कि मार्को जैनसन खेलेगा, दुआन जैनसन आज नहीं खेलेगा, तो आपके लिए टीम न्यूज़ काफ़ी अहम हो सकती है। अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर रहेगा बहुत क्लियर और साफ, बारिश के कोई चांस नहीं है। अगर मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, तो ईशान किशन, रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, और उसके बाद कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, निहाल वडेरा, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, दुआ जैनसन, रिले मैड्रिड आपको नजर आएंगे। लेकिन इसमें जो है दुआ जैनसन की जगह कोई और आज टीम में आ सकता है, उसकी न्यूज में आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फाइनल टीम में टेलीग्राम पर दूंगा, जो कि 2 से 5 मिनट पहले आएगी। जबरदस्त टीम दूंगा, ग्रैंड लीग विन करवाऊंगा, और आपको वीडियो के एंड में 2 टीम दूंगा, जिसको आप स्मॉल लीग में ट्राई करो या ग्रैंड लीग में ट्राई करो, पक्का परफॉर्मेंस करेंगी। मेरे जाके पिछली वीडियो देख लो आप, आपको पता लग जाएगा। अगर सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, तो हैरी ब्रूक माइक अग्रवाल के साथ में ओपनिंग करेगा, जैसे कि आपने पिछले मैच में देखा था। और राहुल त्रिपाठी वन डाउन आएंगे, एडम मार्करम, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, मार्को जैसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, टी नटराजन। तो दोस्तों ये रही दोनों की प्लेइंग 11। अब थोड़ा सा मेरी पिटिशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से पिटिशन में जो टीम पहले खेलेगी वो एक अच्छा स्कोर सेट करेगी, और दूसरे वाली टीम को स्कोर चेस करने में कठिनाई हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा। और इसमें आपके टर्म पिक जो हो सकते हैं मयंक मार्कंडे, पीयूष चावला, और आपका ऋतिक शौकीन, और अगर वासिम सुंदर खेलता है तो वासिम सुंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर पहले बैटिंग मुंबई इंडियंस करती है, तो रोहित शर्मा आप कैप्टनशिप में ट्राई करना, और ईशान किशन। उसके बाद आपको सूर्य कुमार, तिलक वर्मा में से कोई एक लेना है, और कैमरन ग्रीन को भी आप ट्राई करना, और पीयूष चावला को। और बैटिंग सेकेंड में सनराइज की तरफ से आपको राहुल त्रिपाठी, वासिम सुंदर, एडम मार्करम और मयंक मार्कंडे को आप ट्राई करना। हैरी ब्रूक को आप सेकंड बैटिंग में ड्रॉप कर सकते हैं, अगर चेस करते हैं तो हैरी ब्रूक को आप ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे कहने का लग रहा है हैरी ब्रूक आज नहीं चलेगा चेस करते हुए। फर्स्ट बैटिंग में हैरी ब्रूक के चांस चलने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप वो चीज़ नोट करना दोस्तों। अगर बात करी जाए इस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किस बॉलर और किस बैट्समैन की रही है, तो वो थोड़ी सी ऐसे है, सनराइज हैदराबाद की तरफ से मयंक मार्कंडे, 1 मैच 4 विकेट। दिमाग में रख लेना आप ये बात, मयंक मार्कंडे आप, मैं बोल रहा हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टन के लिए ट्राई जरूर करना। फारूकी 1 मैच 2 विकेट, उमरान मलिक 2 मैच 1.5 विकेट, यानी कि एक विकेट निकालता है उमरान मलिक भी, अच्छा खासा पिक है, 2 विकेट ले सकता है आराम से। और राहुल त्रिपाठी 2 मैच 37 रन, एडम मार्करम 1 मैच 37 रन। एडम मार्करम, राहुल त्रिपाठी मैंने आपको बताया अच्छे खासे पिक रहेंगे। तो वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से इस वेन्यू पर रोहित शर्मा ने 21 मैच खेले हैं और 564 रन बनाए हैं। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 40 मैच में 38 विकेट लिए हैं, तो आपके लिए दोनों भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि बैटिंग पहले किसकी है, चेस कौन कर रहा है। अगर पहले बॉलिंग करती है भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हैरी ब्रूक ड्रॉप करना पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन जब तक आप नहीं बनाओगे आप ग्रैंड लीग विन नहीं करते, तो टीम कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आईपीएल के बाद, और अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा टीम कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट और लाइक करो और मुझे बताओ। तो आइए अब बात कर लेते हैं हमारी टीम के बारे में, जो कि थोड़ी इस प्रकार है। मुंबई इंडियंस के पक्ष में मैंने टीम बनाई है, इसमें मैंने लिया है ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्री ग्रीन, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, रिले मैड्रिड। इसमें मैंने कैप्टन बनाया रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन बनाया पीयूष चावला को।
और इधर सनराइज हैदराबाद की तरफ से मैंने मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, सुंदर और मयंक मार्कंडे को लिया है। ये टीम मुंबई इंडियंस पक्ष में रहेगी अगर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो। सेकंड बैटिंग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और वहीं दूसरी टीम की अगर बात की जाए तो मैंने बनाई है वो सनराइज हैदराबाद के पक्ष में, जिसमें मैंने ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, हरी ब्रूक, एडम मार्करम, सी ग्रीन, उमरान मलिक, पीयूष चावला और मयंक मार्कंडे को लिया है। इसे मैंने कैप्टन मयंक मार्कंडे को दोबारा बनाया है और वाइस कैप्टन बनाया पीयूष चावला को। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन इसमें आप हैरी ब्रुक को कैप्टन या अभिषेक शर्मा को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, साथ में वाइस कैप्टनसी में आप मयंक मार्कंडे, पीयूष चावला को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं वीडियो का प्रेडिक्शन कैसा रहा। मेरा प्रेडिक्शन जबरदस्त निकलेगा, आप खुद बताओगे, और आपको मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे और बताऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।